ये वादा है जितने बजे काटना है चलो वोट सही रहे बैठो बेटर उसमें पता चल हां जो होगा ठीक है तुम हमारी बात करो का टाइम दो आप ये बताओ कि वहां मेले में तो जनता घूम रही है अभी अभी मेले के लिए हम नाम पूछ के मारा जा रहा है भाई साहब क्या बात गाड़ी देख के मारा जा रहा है बैठो नहीं व्यापार का मतलब मना किया जा रहा है वहां कल शो ऑफिस कल कल का दान है ना लोगों के खिलाफ मीटिंग हुई है जिसमें जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है वो अपने अपने तहरीर को डाल कर देंगे क्योंकि अभी तक तहरीर जो थी ऊपर वो हम लोगों के डिस्कशन में जो इंस्टेंसेस की तहरीर पुलिस के पास नहीं आई है तो तहरीर उसके साथ तहरीर के साथ जो भी वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी चीज़ें हैं सारे सबूत को हमको ला कर देंगे उसके अनुसार हम लोग आगे अपनी कार्यवाही अमल में जैसा कि मैडम एक मुहिम चली हुई है ये भगवादारी कुछ इकट्ठे होकर मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है तो इस विषय में उत्तराखंड पुलिस का क्या सहयोग है नहीं नहीं देखिए हमारे संविधान में धर्म हर जाति आपका जो भी आप जिस जगह से हैं संविधान के अनुसार सबको पूरा अधिकार है अपने आप को एक्सप्रेस करने का किसी भी जगह जाने का तो ऐसा कोई भी मुहिम जो है अगर चल रही है तो ये असंवैधानिक है और इसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही जरूर करेगी जैसे जैसे अगर कोई भी ऐसा केस जो सामने आता है तो पुलिस अपनी कार्यवाही अमल में जरूर करेगी मैडम उत्तराखंड पुलिस से यही सहयोग चाहते हैं आप थोड़ा सा इसमें जो है अपने तरीके से विचार विमर्श करें और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए थैंक यू मैडम अभी ऊपर मीटिंग हुई है उस बारे में क्या कहा है पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस के आला अधिकारियों से झंडे के मेले में तो समुदाय विशेष के ऊपर जो है वो अटैक्स हो रहे थे उसके संबंध में मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने ये आश्वासित किया है कि आपकी तहरीर के उपरांत जाँच की जाएगी और संदिग्धों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया मैं जैसे कि अभी जो ऊपर जो हुआ था ये झंडे वाले मेले में उसके बारे में आपका क्या कहना है ये झंडे का मेला एक कल्चरल फेस्ट है देहरादून का ये किसी मज़हब का मेला नहीं है ना किसी हिंदू मुस्लिम मेला नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का मेला है